hello students so today i am going to solve this numerical uh, this numerical is based on number of atoms so i will tell you how you can calculate the number of atoms from a given mass uh, this was requested by one student so especially this video is for you so let's get started यस स्टूडेंट्स जब भी हम कोई नोमरिकल सॉल्व करते हैं सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज मेक अ डेटा नाउ द डेटा इज ऑलवेज दैट थिंग जो हमें गिवन होती है अब गिवन क्या है लेट्स सी अब यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा है ऑफकोर्स आपको ग्राम्स दिख रहा है तो ग्राम्स इज़ अ यूनिटफॉर मास सो गिव मास ही इज नाइन पॉइंट टू सोआई राइट गिविन मास गिविन मीन्स जो आपको दिया हुआ है सो गिविन मास इज नाइन पॉइंट टू ग्राम्स ओके नाउ द सेकेंड थिंग वी हैव टू पुट इन डेटा इज दिस द एटॉमिक मास और द मॉलीकुलर मास ऑफ एटम और मोलिक्यूल अब आपको पहले तो ये देखना है कि ये ऐटम है या मोलिक्यूल है एटम की पहचान कैसे होती है कि पीरियोडिक टेबल का कोई भी अगर एलिमेंट आता है और वो सिंगल होता है सो इट मीनस वो क्या है एटम है और अगर वो मोर देन वन एटम्स होते हैं अटैच लाइक सी ए सी सॉरी एस टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा ये क्या है दो एटम्स हैं दो एटम्स होने की वजह से हम इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स तो फिर यहाँ पर एटम्स नहीं होता यहाँ पे होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो क्योंकि ये कैल्शियम एक ऐटम है दैट्स वाई यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम एंड यू हैव टू पुट एटॉमिक मास हीयर ओके एटॉमिक मास यू डोंट हैव टू राइट मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला मास अगर ये कोई इनमें से होता मॉलिक्यूल तो आप क्या लिखते हैं मॉलिकुलर मास लिखते हैं सो द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम यू कैन ऑल्सो डू दिस कैल्शियम इज फोटी देट विल भी गिवन इन द एग्जाम सो डोंट वरी अबाउट इट Uh, so you have to find the number of atoms. That is question mark. Now let's move to the solution. Always remember when we talk about the solution we have to talk about the two headings. First heading is our formula and the second heading is about calculations. ना लेट्स डू इट फार्मूला सो द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ एटम्स इज वेरी सिम्पल इट इज़ सेम एज द मोल्स यू हैव टू राइट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वस टू अगर आपको याद हो तो मोल्स का जो फार्मूला है डेट इज गिविन मासन मॉलिकुलर मास और अटोमिक मास बिकॉज यहाँ पर हमें ऐटम गिवेन है तो हमें यहाँ पर मॉलिकुलर मास नहीं बल्कि मैं यहाँ पर लिखूंगी एटॉमिक मास तो ये फार्मूला किसका होता है ये फार्मूला होता है हमारे मोल्स uh, का नंबर ऑफ मोल्स का अब इसमें इसको नंबर ऑफ आइटम्स का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चेंज करना पड़ता है ओनली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एवागेड्रोस नंबर लगाना होता है डेट इज एन ए बाय बाई एन ए इज एवेड्रोस नंबर बस इसके आ जाने से फार्मूला क्या बन जाता है नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला बन जाता है सिंपल तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद करना है तो नंबर ऑफ आइटम्स का आ, वैसे ही याद हो जाएगा आपको अब हम इसे क्या करते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं सो द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्व टू गिवन मास इज वॉट गिवन मास इज नाइन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास इज फोर्टी multiply with the avogadro number is a constant number so always uh, remember and memorize this number 6.02 exponent exponent is multiply 10 is called exponent 23 okay so divide both of these numbers you will get at 0 0.23 multiplied with the avogadros नंबर अब आप इनमें देखो अब जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आप ये एक्सपोनेंट को जरूर डालोगे ठीक है तो आंसर क्या आएगा थोड़ा चेंज आएगा एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग बट अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है बिकॉज नाइन टेन में क्या होता है सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है साइंटिफिक अलाउड नहीं होता तो आप क्या करो सिर्फ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो जो कि सिंपल कैलकुलेटर से ईजिली हो जाता है तो आप क्या करना जीरो जीरो पॉइंट टू थ्री को मल्टीप्लाई करना सिक्स पॉइंट जीरो टू से और एक्सपोनेंट को एज इट इज़ हम लिख देंगे साथ अब जब आप इन दोनों को आप डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर वन पॉइंट थ्री एट ओके सो इट्स अपॉन यू क्या आप पॉइंट के बाद दो डिजिट लिख रहे हो थ्री डिजिट्स लिख रहे हो इट डजेंट मैटर बट कम से कम दो डिजिट ज़रूर लिखने सो वन पॉइंट थ्री एट इज़ द आंसर ना एक्सपोनेंट को तो हमने बिल्कुल ही नहीं डिस्टर्ब किया था तो हम उसे उसे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया था बिकॉज हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है उसे द एक्सपोनेंट दिस इज एक्सपोनेंट ट्वेंटी थ्री ओके सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन पॉइंट थ्री एट एक्सपोनेंट ट्वेंटी थ्री दिज आर नंबर ऑफ एटम्स फॉर द कैल्शियम ओके यू कैन ऑल्सो राइट हेयर दैट एटम्स ऑफ calcium i hope you get the answer okay strange so this is question number two of same topic uh, now uh, here is a little bit change uh, in quotient now let's see what are the changes now calculate the number of molecules in 8 gram of c6h12o6 is the formula for glucose uh, so the uh, you have to find the molecule